बैंकों का करोड़ों रुपए लेकर विदेश भागे विजय माल्या को देश में लाने का रास्ता साफ हो गया है। यूके की सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। हालांकि माल्या को अपील करने के लिए 14 दिन की मोहलत दी गई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी साजिद जावेद ने भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत को प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है। खबर के मुताबिक होम सेक्रेटरी जावेद ने माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश जारी करने से पहले मामले से जुड़े सभी मुद्दों पर गौर किया है। जावेद ने 3 फरवरी को माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। गौरतलब है कि माल्या पर भारतीय बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। जांच के दौरान ही विजय माल्या मार्च 2016 में देश छोड़कर लंदन भाग गया था, लेकिन दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या को भारत भेजे जाने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद विजय माल्या को भारत लाए जाने की उम्मीदें जग गई थी। लेकिन जिस तरह से विजय माल्या के पास अपर कोर्ट में जाने का विकल्प था, उसके बाद सरकार चाहती है कि विजय माल्या पर लंदन की कोर्ट और सरकार जल्द से जल्द फैसला का निपटारा करें। आपको बता दें कि 5 जनवरी को मुंबई की अदालत के फैसले के बाद सरकार के लिए मुश्किलें थोड़ी आसान हो गई हैं, क्योंकि लंदन की कोर्ट ने भारतीय जांच एजेंसियों के सबूतों को सही माना था और विजय माल्या को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी मानते हुए भारत को सौंपे जाने का फैसला सुनाया था। गौरतलब है कि मुंबई की अदालत ने नए कानून के तहत विजय माल्या को भगौड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत भगौड़ा घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।